सिंगरौली में किताबों वाली दीदी के नाम से प्रसिद्ध उषा दुबे शिक्षिका ने कोरोना में सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाया। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना की वजह से जहां एक तरफ स्कूल बंद रहे, वहीं शिक्षिका उषा दुबे ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर घर जाकर बच्चों को शिक्षा दी। उषा दुबे ने अपनी स्कूटी में बैठकर हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के तहत शिक्षा प्रदान की। उषा दुबे विंध्य नगर क्षेत्र के अंतर्गत हर्रई मोहल्ले के पूरे क्षेत्र में बच्चों को बुलाकर शिक्षा दे रही हैं। बच्चे उनको किताबों वाली दीदी के नाम से पुकारते हैं। उनके इस साहसिक और सराहनीय कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में सिंगरौली जिले की इस होनहार शिक्षिका उषा दुबे का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किताबों वाली दीदी ने बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी। आज मन की बात कार्यक्रम में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कार्य की सराहना की, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वजह से जो हम कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो कार्य करने का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।